टुंगी चौकी बिहार रोड वाले एटीएम से मैंने पैसे निकाले 28 तारीख को दिन में 10,000 निकाले, तब मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। और रात को 12:11 पे मेरे पास फ़ोन आया कि आपके एटीएम से पैसे विड्रॉल हो रहे हैं, और देखे तो मेरे खाते में से बिल्कुल 80,000 रुपये ख़त्म हो चुके थे। किस तरह निकले, टुकड़ों में या एक साथ? टुकड़ों में निकले, मैंने अभी आपको मैसेज की डिटेल भी दिखाई है, तो उसमें टुकड़ों में निकाले। और सबसे बड़ी बात है कि जिसके पास एटीएम है वो 40,000 से ज़्यादा नहीं निकालता, मेरे खाते से 80,000 उड़ रहे। ये मैंने बैंक में जाके शिकायत करी तो कहते ये नेट बैंकिंग का कमाल है, फ्रॉड करने वाले करते हैं। मैंने कहा नेट बैंकिंग में तो आप पकड़ सकते हो, बोला ऐसे नहीं पकड़ सकते, आप कंप्लेंट लिखो। कंप्लेंट लिखने पर बोले FIR दर्ज कराओ। और फिर ये 29 तारीख का मामला है, मेरे कल FIR दर्ज हुई है मेरे। कितने पैसे निकले? 80,000। 80,000 में से कितने कितने किस्त निकली है? पहले 20, फिर 20, फिर 10, फिर 18,000, 11,000 दूसरे के में ट्रांसफ़र हुए हैं, फिर 20,000 दूसरे के में ट्रांसफ़र हुए हैं। मुकदमा दर्ज करवा दिया आपने? मुकदमा दर्ज करा दिया, कल हुआ है, मेरे पास कॉपी भी, अभी आप चाहे तो आप रिकॉर्ड में दिखा सकते हैं। कौन से थाने में मुकदमा दर्ज? थाना रामगंज थाने में करी कल। किससे अप्रूवल लगाई थी आपने जो मुकदमा? IG से। कल मैं IG ऑफिस बैठा था पूरा दिन, तब जाके IG साहब ने कहा तब यह मुकदमा दर्ज हुआ है। वरना रामगंज थाने के CI गोमा सिंह जी भी वो बैंक मैनेजर पर करके कह रहे कि बैंक मैनेजर से लिखा के लाओ कि वो FIR दर्ज होने पर पूरा पैसा दिलाएंगे, ऐसे करके उन्होंने इतनी कर ली। अकाउंट मेरा SBI कैसरगंज ब्रांच में। मेरा नाम रोहित शर्मा है, मैं यहीं पहले यहीं रहता था, अभी मैं सुभाष नगर मकान बन गया मेरा।